हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी अपना हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने वाली हूं जो कि आपकी स्पेस क्रंच वाला प्रॉब्लम बहुत ही आसान कर देगा। यानी कि अगर आप भी मेरी तरह परेशान है कि चीजें बहुत ज्यादा है बट स्पेस बहुत कम पड़ रही है, या फिर आप मेरी तरह एक हैवी ट्रैवलर है यानी कि आप ज्यादा चीजों के साथ और ज्यादा वैरायटी और चॉइसेस के साथ ट्रैवल करना पसंद करते हैं, आज के प्रोडक्ट की मैं जो रिव्यू करने वाली हूं वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों के प्यार की वजह से है धीरे धीरे हमारी फैमिली 2000 की बन गई है, और इसी तरह आपका प्यार मिलता रहा तो हम इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे और हमारी कच्ची फैमिली को इसी तरह बढ़ाते जाएंगे। तो इसी नोट पर, अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना जरूर कंसीडर करें। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, दोज आर कॉल्ड द स्पेस सेविंग बैग्स, या आप इन्हें वैक्यूम बैग्स भी कह सकते हैं। ये आपको इस तरह के 5 नंबर्स में रिसीव होती हैं और इनका क्लेम है कि ये 80% स्पेस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो ये वाली स्पेस सेविंग बैग्स ऑफकोर्स आपकी स्पेस तो सेव करेंगी बट साथ ही साथ आपके कपड़ों को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगी पानी से, डर्ट से, ड्यू से, इंसेक्ट से और किसी भी तरह की बदबू से। और ये बैग्स बहुत ही स्ट्रांग है, रीयूजेबल है और ऑफकोर्स एयरटाइट भी है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें इस पैकेज में क्या क्या चीज़ें रिसीव हुई है। तो इस वैक्यूम बैग में, जैसे कि मैंने कहा कि आपको 5 नंबर्स ऑफ ये ट्रांसपेरेंट स्पेस सेविंग बैग्स रिसीव होती है। तो इसमें से आपको 2 मीडियम साइज़ की बैग्स हैं, 2 स्मॉल साइज़ की बैग्स हैं और एक लार्ज साइज़ की बैग है, और साथ ही साथ आपको एक पंप मिल जाता है और ये जिप लॉक सिस्टम्स। तो एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है, इसे ट्रायल करने के लिए मैंने सबसे पहले बड़े वाले बैग में आई हैव ट्राइड पुटिंग माई डबल बेड ब्लैंकेट देयर। तो यहाँ पे मैंने डबल बेड का ब्लैंकेट डाला है और मैं चेक करना चाहती थी इफ़ द वैक्यूम इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं द वैक्यूम एंड द बैग वर्क्स रियली वेल। और ये है नॉर्मल, जब ब्लैंकेट आप उसे फोल्ड करते हैं तो इसमें इतना स्पेस रोकता है, और जब आप इस वैक्यूम बैग में डालते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्पेस बच जाता है। आई एम नॉट श्योर 80% बट काफ़ी कम छोटा तो लगता है। तो इसी तरह से आप कोई भी तरह का मटेरियल, फैब्रिक या कोई भी आपका कपड़ा हो, आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मीडियम साइज़ की बैग्स में मैं अपनी साड़ी स्टोर कर रही हूँ। तो आप अगेन कोई भी इस फैब्रिक की साड़ी हो इसमें आराम से स्टोर कर सकते हैं। इस मीडियम साइज़ के बैग्स में आप आराम से 12 से 15 साड़ीज एक साथ में स्टोर कर सकते हैं इस तरह से, और सीलर की मदद से आप अच्छे से इस बैग को सील कर दीजिए और ये आसानी से सील हो जाती है। और इसी तरह से आप अपने बेबीज़ के, आपके कोई भी कपड़े हो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर आप समर्स आ रहे हैं तो आप विंटर के कपड़े इसमें स्टोर कर सकते हैं, और विंटर्स आ रहे हैं तो आप कोई भी और कपड़े स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप छोटे मोटे ब्लैंकेट्स जो होते हैं जो ज़्यादा जगह रोकते हैं कबर्ड्स में, वो सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बस इन बैग्स में ये सारी चीज़ों को स्टोर करना है और इसे सबसे पहले सील कर लेना है। और ये सारी बैग्स में मैंने कपड़े भर लिए हैं। ये 2 छोटी साइज़ की बैग्स हैं, 2 मीडियम साइज़ एंड ये है बड़ी वाली बैग जिसमें कि आपका डबल बेडशीट भी और डबल ब्लैंकेट भी आ जाता है। तो अब इसमें सक्शन करने के लिए या फिर इसमें एयर निकालने के लिए हमें इस तरह से ये जो ब्लू कलर का अटैचमेंट दिया हुआ है उस पर पंप फिक्स करना है। और थोड़ी देर आप जब पंप को इस तरह से पंप कर लेंगे तो आपकी, आप देखेंगे कि बैग की साइज़ कम होती जा रही है, यानी कि एयर निकलती जा रही है आपकी बैग्स में से। तो ये डिफरेंस है जब नॉर्मल आप किसी बैग में भरते हैं तो वो किस तरह से दिखता है, और जब सक्शन करते हैं तो वो एकदम स्पेस कम हो जाती है। तो आप इस तरह से अगर बैग्स में स्टोर करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा सामान स्टोर कर सकते हैं एक साथ में, और आपकी जगह कम रुकती है। तो जितना सामान मैंने उन बैग्स में स्टोर किया था वही सामान अगर मैं इस बड़ी सी बैग में डाल रही हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि नॉर्मल अगर आप भरेंगे तो इतनी स्पेस लेगा, और एग्जैक्टली वही सामान अगर हम इन वैक्यूम बैग्स में डालकर वही बैग में डालेंगे तो एग्जैक्टली उतना ही सामान मैंने इन वैक्यूम बैग्स में डाला था। तो वही सामान अगर हम उसी साइज के बैग में डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना फर्क पड़ता है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था जिससे कि आप समझ पाए कि कितना स्पेस बचता है। नीचे कॉर्नर पे भी स्पेस बच गया, साइड में भी काफ़ी स्पेस बच गया, और ये बड़ा वाला जो बैग है वो आई थिंक ट्रैवलिंग में यूज़ नहीं हो सकता है, आप इसे घर पे ब्लैंकेट्स के लिए स्पेशली यूज़ कर सकते हैं।
तो ये है इसका डिफरेंस। ये जब बैग्स के साथ आप पैक करते हैं तो बहुत जगह बच जाती है, और ये बिना बैग्स के साथ आपको सारा सामान बहुत फ्लफी लगता है, तो ये इसका डिफरेंस है। तो चलिए अब इसके ओवरऑल प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो ये वैक्यूम स्टोरेज बैग्स के सबसे पहला प्रो यही है कि ये स्पेस काफ़ी सेव कर देता है, और ये अलग अलग साइजेस में आता है, इसीलिए आपको ये आसान पड़ता है अलग अलग साइज के छोटे मोटे कपड़े डालने में। और इसके कॉन में मैं यही कहूंगी कि इसका मटेरियल और बेटर हो सकता था। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो, तो आई होप आप सबको ये प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग लगा होगा। और अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो लिंक को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमेशा की तरह अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव लगती है तो मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय।